तो मैं जा रहा हूँ ताल पे, ताल बोलते हैं पौंड, ठीक है, पौंड में होती है मछलियाँ, और मछली होती है, लेकिन यार साला कहाँ पे है वे? तो पौंड में होती है मछलियाँ, और यहाँ पे पौंड के अंदर सिंघाड़े बोए जाते हैं, सिंघाड़ों की फसल लगा जाती है। सिंघाड़े को इंग्लिश में वाटर नट्स कहते हैं, वाटर नट्स सबने खाए होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा वाटर नट्स क्या होते हैं। तो उनकी खेती होती है, और अच्छी खासी खेती होती है भाई। तो उनके लिए दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, बहुत सारे खटकर्म करने पड़ते हैं। तो वही भाई साहब जिनका तालाब है वो आज कर रहे हैं, तो देखेंगे आज कैसे चलता है उनका ये प्रोसेस, और तालाब के अंदर क्या क्या मिलता है। चलिए पहुंचने वाला हूँ दोस्तों। ये है पौंड तालाब, इसमें आप देख सकते हैं जलकुंभी है, ये एक तरह का खरपतवार है, और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी हैं, देख सकते हैं जैसे पानी में कैसे हलचल हो रही है, छोटी छोटी सी, ये बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं, नो डाउट। कितनी प्यारा लग रहा है ये। ये छोटा शंख, छोटा सा शंख। दोस्तों ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं पानी के ऊपर तैरते हुए लाल कलर में और हरे कलर में, ये सिंघाड़े की बेल है, यानी कि वाटर चेस्टनट की ये बेल है। इसी के बेल के अंदर पानी के अंदर सिंघाड़े उगते हैं, तो इनको तोड़ना पड़ता है उठा उठा के। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है फसल की, तो इसमें अभी फल नहीं आए हुए। बन गए ना? तो भैया लोगों हम निकाले जा रहे हैं मछली का चारा। इसे निकालने के बाद में यहाँ से पकड़ के मछली, देखो निकला है थोड़ा सा, थोड़ा सा खाना मछली के या निकला सोना बात नहीं, आधा आधा करके खाओगे मछली का। इतने में तो आई नहीं जाएगी ना मछली, वो है निकला, निकालो निकालो खाद वहाँ पर डाला जाता है खाद बनावे के लिए, है ना। ये के निकला है अबे मोट के एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर खाता हूँ यार।
एक ही वाला दो दो मछली पकड़ गई हैं। एक वो कीड़ा सा भी तो होता है ना लंबा सा, तो वो जिसकी दो मुच्छे से निकली होती है उसको भी लगाया जाता है। बिकावर नहीं लगाया जाता, बिकवा नहीं, वो जमीन में ही होता है वो। हाँ गीतन के पहला वो थोड़ी लगाओ पकड़ी है तब उल्टा से उल्टा पकड़ा। दोस्तों देख सकते हो कि हम ट्राई कर रहे हैं मछली पकड़ने की, बट हमारा बैड लक कि इस जर्नी में, इस एक्सप्लोर में हम मछली नहीं पकड़ पाए, ये बैड लक रहा हमारा। मछली पकड़ नहीं पाए, बट मछली देखने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे से, देखते हैं मछली दिख पाती है या नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश करी और मैंने अपना फ़ोन पानी के अंदर तक डाल दिया, बट मछली नहीं दिख पाई। देखिए पानी के अंदर काई भी दिख रही है। दोबारा देखिए ये अंदर से कैसे तालाब कैसे दिखता है ये। तालाब में सिंघाड़े कैसे उगाए जाते हैं ये देखिए। ये स्प्रे से इस तालाब में कीटनाशक डाला जा रहा है जिससे कि पत्तों को कोई नुकसान ना हो और फल जो है सिंघाड़े वो अच्छे स्वस्थ रहें, एकदम हेल्थी रहें। देखिए आइए क्लोज से देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक सिंघाड़ा मिल भी गया है, छोटा सा फल है ये हाथ में। देखिए कितना बड़ा तालाब है, ये एक बिस्वा या दो बिस्वा में तो होगा ये तालाब। ये देखो कितना बड़ा तालाब है यार। इस पूरे तालाब में नाव के सहारे कीटनाशक को डाला जाता है और खाद भी डाली जाती है इसको अच्छा मोटा फल लाने के लिए।